वेलकम टू केमिस्ट्री अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुपर ट्रिक टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, आपको पूछा जाता है कि इनमें से बताएं एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कौन सा है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए टोटल फोर कंडीशंस होती हैं, उनमें से जो तीन कंडीशंस होती हैं वो दोनों में कॉमन होती हैं। जैसा कि एरोमेटिक यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, AR मतलब एंटी एरोमेटिक, के लिए कंपाउंड्स का साइक्लिक होना जरूरी है। साइकिल मतलब बंद शेप, जैसा कि ये सारी आप देख सकते हैं ये साइकिल स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर मतलब ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। उसके बाद तीसरी कंडीशन है कंजुगेट। कंजुगेट के लिए कंडीशन सुन लें जो इंपॉर्टेंट है। कंजुगेट का मतलब है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है, इनमें से कोई भी एक एग्जांपल सपोज कर ले इसी की बात करते हैं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये कार्बन डबल है, ये कार्बन है, इनके दरमियान एक डबल बॉन्ड है। इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो तो हम कहेंगे वो वाला कंपाउंड कंजुगेट है। कोई भी एग्जाम्पल देख लें, इनमें कंजुगेट ही हैं सारे। फर्ज कर लें ये वाला कंपाउंड देख लें, इसमें ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये कार्बन डबल है और ये कार्बन डबल है। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इसी तरह ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है या लोन पेयर हो सकता है। लोन पेयर के एग्जाम्पल ये देख लें, ये कार्बन और ये कार्बन, इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से नेक्स्ट देखें आप लोग, ये ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक कंजुगेट कंपाउंड है। तीन कंडीशन तो दोनों में कॉमन है, फिर कैसे पता चलेगा कि ये इनमें से एरोमेटिक कौन सा और एंटी एरोमेटिक कौन सा है। तो उसके लिए एरोमेटिक के लिए जो कंडीशंस होंगी फॉर एरोमेटिक, बहुत ही सिंपल ट्रिक है आज की वीडियो में आप लोग देखी, क्योंकि आप लोगों ने ये वाला ट्रिक जो है ये एग्जाम के लिए ऐसे ही याद करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। वहाँ पे आप लोगों ने टू दी पॉइंट ट्रिक याद रखना है और आप लोगों ने फौरन बता देना है कि दिया गया कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या ये नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के लिए आप लोगों ने क्या कंडीशन जेहन में रखनी, एरोमेटिक के लिए ये कंडीशन जेहन में रखनी कि इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्डर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है ये दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनी है, इस तरह दो इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने, दो इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ इनमें रखनी है कि नेगेटिव चार्ज को हम लोग कंसिडर करेंगे इज इक्वल टू टू पाई इलेक्ट्रॉन के। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू होगा टू पाई इलेक्ट्रॉन की, और पॉजिटिव चार्ज को आप लोगों ने बीच में काउंट नहीं करना। समझ आ गई जहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को? तो पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद जो आएगी आपके पास वो आएगी, एरोमेटिक अगर कंपाउंड है ना तो उसमें तादाद आएगी आपके पास 2, 6, 10, 14 and 18। इसी तरह फॉर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के केस में जो आपके पास तादाद आएगी पाई इलेक्ट्रॉन की वो आएगी 4, उसके बाद नेक्स्ट आएगा 8, 12, 16 and 20। बस ये आप लोगों ने चीजें इनमें रख लेनी, अब देखना क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, ठीक है जी। अगर स्टूडेंट्स को ये भी चीज़ याद नहीं होती कि ये कैसे आप लोगों ने याद करना है, तो आप लोग ये चीज़ देखें दोनों में, एरोमेटिक की नंबरिंग आप लोगों ने 2 से स्टार्ट करनी है और एंटी एरोमेटिक की नंबरिंग आप लोगों ने 4 से स्टार्ट करनी है। उसके बाद आप लोग 4 का डिफरेंस 4 उसमें ऐड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ से अगर आप लोग 2 से स्टार्ट करते हैं तो इसमें 4 ऐड करें तो 6 आ जाएगा, इस 6 में फिर वो 4 ऐड करें तो 10 आ जाएगा, इस 10 में फिर 4 ऐड करें तो 14, फिर 4 ऐड करें तो 18। इसी तरह ये नंबरिंग 4 से स्टार्ट हो रही है, इसमें 4 ऐड करें तो 8, 8 में 4 ऐड करें 12, 4 ऐड करें 16, 4 ऐड करें 20। ये मसला भी हल हो गया। अब हम करते हैं एग्जांपल साथ। मैंने बताया कि एक पाई बॉन्ड जो है, जैसे ये एक नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन के, इसी तरह एक डबल बॉन्ड जो है
या डबल बांड आप लोग कह लें कि एक पाई बांड जो है, पाई बांड इज इक्वल टू टू पाई इलेक्ट्रॉन। बस ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, हम लोग दो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, यहाँ पर पाई बांड होगा वहाँ पर भी हम लोग दो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अब चले स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो इसमें सिर्फ ये वाली जो लाइन है, ये जो डबल बांड होता है ये पाई बांड को शो करता है, ये जो लाइन है यहाँ पर डबल बांड की ये किसको शो करिए, पाई बांड को। तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक ही लाइन है, तो एक पाई बांड इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर क्या आएगा, टू। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, टू इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ये क्या होगा फिर, टू इलेक्ट्रॉन के लिहाज से टू देखे कि इसमें आ रहा है एरोमेटिक में आ रहा है कि एंटी एरोमेटिक में, ये आ रहा है एरोमेटिक में, तो इसका मतलब ये क्या है, कंपाउंड जो दिया गया ये आपके पास है जी एरोमेटिक। तक समझ आई सभी स्टूडेंट्स को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक पाई बांड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज है एक पाई बांड है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, फोर पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, फोर पाई इलेक्ट्रॉन। तो फोर किस में आता है, एंटी एरोमेटिक में, तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड ये क्या आपके पास, ये एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट देखिए, एक पाई बांड मतलब टू पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बांड इज इक्वल टू टू पाई इलेक्ट्रॉन, टू पाई इलेक्ट्रॉन किसमें तादाद आ रही है, एरोमेटिक में, तो इसलिए दिया गया कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। इसमें देखिए आप लोग, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो ये हो गए चार, दो ये छह हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे, सिक्स देखें, ये देखें किसमें आ रहा है, एरोमेटिक में, तो इसलिए दिया गया कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। इसमें देखें आप लोग, पाई बांड कितने, दो, तो एक पाई बांड में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, तो दो में कितने हो गए, फोर, फोर पाई इलेक्ट्रॉन, तो फोर किस में आ रहा है, एंटी एरोमेटिक में, इसलिए ये वाला जो दिया गया कंपाउंड ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। इसमें देखें आप लोग, दो चार दो छः, छः किस में आ रहा है, एरोमेटिक में, तो ये वाला कंपाउंड भी आपके पास एरोमेटिक है। इसमें देखें आप लोग, टू फोर, ये जो लोन पेयर है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लोन पेयर इज इक्वल टू टू पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाली कंडीशन भी देखिए लोग, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टू पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बांड इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन। इसमें देखें आप लोग, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टू फोर सिक्स। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये नीचे भी लोन पेयर, ये लोन पेयर रिंग के बाहर है, ये डेजिनेट नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है यही बस काउंट करने हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, सिक्स हो गए, इसमें कितने थे, इसमें भी सिक्स थे, मैं लिख देता हूँ ऊपर, टू फोर सिक्स, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, एरोमेटिक। इसमें कितने आ रहे हैं, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो सिक्स के लिहाज से ये भी क्या है, एरोमेटिक है। इसमें देखें आप लोग, टू फोर सिक्स, इसमें भी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये भी आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आ जाए, ये सेवन मेंबर रिंग है, इसमें देखें टू फोर सिक्स, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है, क्योंकि सिक्स एरोमेटिक में आना है। इसमें देखें आप लोग, टू फोर सिक्स, नेगेटिव चार्ज के कितने इलेक्ट्रॉन, टू, कितने हो गए टोटल, एट पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। जब एट पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो एट किस में आ रहा है, एंटी एरोमेटिक में, तो ये आपके पास होगा जी एंटी एरोमेटिक। इसमें देखें लो, टू फोर सिक्स पॉजिटिव चार्ज में काउंट करने हैं, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब ये क्या है आपके पास, एरोमेटिक, सिक्स इसमें आ रहा है। इसमें देखें लो, टू फोर सिक्स एट टेन, टेन किस में आ रहा है, एरोमेटिक में, इसमें आ रहे हैं टेन पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ तक समझ आ गए सर स्टूडेंट्स को, ये तो हो गया एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए। नॉन एरोमेटिक के लिए ये कंडीशंस हैं कि ये जो शुरू पर तीन कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी कि साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेट हो, अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब वो क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन दे दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन दे दी, इस तरह का, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज लगा दे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दे, अब पॉजिटिव चार्ज से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव तो है, यहाँ पर भी डबल बांड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं, यहाँ से ये बांध नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। साइक्लिक अगर नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, प्लेनर नहीं है, नॉन एरोमेटिक, कॉन्जुगेट नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। यहाँ तक समझ आ गई, जैसे कि यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज फर्ज करके ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग ये वाला। अब ये साइक्लिक है,
लेकिन ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन भी लगे हैं इससे, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन क्या है, ये sp3 है, ये वाला कार्बन भी क्या है, ये sp3 है, तो हमें क्या कंडीशन चाहिए कि sp2 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये प्लेन नहीं है, यहाँ तक समझा गई, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ये sp3 है, तो इसलिए ये वाला जो भी है ये एरोमेटिक नहीं बल्कि ये नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो की समझ आ गई, इसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल केमिस्ट्री अकेडमी सब्सक्राइब कर दें, और एक और बात सुन लें कि अगर किसी भी स्टूडेंट को केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पे भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करें कि सारे ये वाली वीडियो अपलोड कर दें, तो इंशाल्लाह एक से दो दिन के अंदर वो वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, अल्लाह हाफिज़।